Assalamualaikum students we are solving question number 3 part number 1 of exercise 6.1 that is x cube plus 3x square minus 16x plus 12 and x cube plus x square minus 10x plus 8 we have to find HCF by deviant method first of all we discuss deviant method in previous classes we have to given two numbers like 256 and 150 we have to find uh, scf of uh, these two numbers so we find the scf these two numbers like this 256 we write uh, the greater number uh, inside the division uh, and uh, 150 here one, when we multiply 150 by 1 we get 150 and remainder will be 96 in the next step we put 150 inside here. We do not put these, this 150. We put this 150 inside here. And uh, again, 96 multiplied by 1, we get 96. Remaining will be 54. And here we put 96. here we put this number not 150 this number which divide 150 and here we get 54 remainder will be 2 and 4 here we put 54 42 and remainder will be 2 and 1 and here we put 42 this number we divide 54 and in the last uh, 12 multiplied by 3 we get 36 remainder will be 6 here we write 12 दी नंबर विच डिवाइड 42 टू नाट वी राइट थर्टी सिक्स है सम स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो 150 है वो समझते हैं हम ये वाला 150 फिफ्टी यहाँ पर लिख रहे हैं फिर सेम यहाँ पर वही जवाब आता है तो वो समझते हैं हम ये ये वाला 54 फोर यहाँ पर लिख रहे हैं हम जो 96 को डिवाइड 54 फोर कर करें वो यहाँ पर लिख रहे हैं सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्टी uh, टू को डिवाइड करें ट्वेल्व वो यहाँ पर लिखेंगे ना कि थर्टी सिक्स लिखेंगे एंड सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू वी गेट ट्वेल्व एंड ये आपका पास जो लास्ट नंबर आता है ये आपके पास क्या होता था वहाँ पर एस सी एफ होता था ये टू एस सी एफ नहीं होता जो यहाँ पर डिवाइड कर होता है वो एस सी एफ होता है ये हम छोटी क्लासेस में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ये तो नंबर्स का एच सी एफ करने का मेथड था बट हेयर There are algebraic expression and we have to find SCF by deviant method. Now we solve it like this method, the methods of integer. Now we put uh, SQ plus 3 X square minus 16 X plus 12 inside. एंड हेयर वी राइट एक्स क्यू प्लस एक्स केयर माइनस टेन एक्स प्लस एट यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं हम इनको किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिमिलरली ये जो डिवाइजर है इसको भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन से बचने के लिए कि जो हमारे पास आंसर आए वो फ्रैक्शन में ना आए क्योंकि उसे फिर सोल्व करना मुश्किल हो जाता है उससे बचने के लिए हम किसी भी नंबर से इस डिवाइजर और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हम पार्ट नंबर थ्री में करेंगे नाउ वी मल्टीप्लाई इट बाय वन टू गेट एक्स क्यूब एक्स क्यूब जो यहाँ पर नंबर है सबसे पहले हम इस नंबर को उसके इक्वल लेकर आते हैं तो अगर जैसे हम वन से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमारे पास एक्स क्यूब हासिल हो जाएगा इसलिए हमने जैसे इसे वन से मल्टीप्लाई किया है वैन वी मल्टीप्लाई इट बाई वन वी गेट एक्स क्यूब एंड एक्स केयर वन द एक्स केयर माइनस टेन एक्स प्लस एट एज हेयर वी सब्ट्रैक्ट इट एंड वेन वी सब्ट्रैक्ट वी चेंज इज साइन सो प्लस वी कम माइनस हेयर इट बिकम माइनस इट बिकम प्लस एंड इट बिकम माइनस इट इज़ प्लस एंड इट इज माइनस इट इज़ कैंसल आउट प्लस माइनस माइनस एंड वी गेट टू एक्स के माइनस प्लस माइनस वी गेट सिक्स एक्स प्लस फोर एंड दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखने वाली है कि हम जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा उसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर जिस दूसरे लफ्जों में हम जो कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड ही करते हैं तमाम ट्रांस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं टू कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे टू कॉमन ले लेंगे जब हम टू कॉमन लेंगे मीन्स जो टू है वो इन तमाम पर डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा एक्स के माइनस थ्री एक्स प्लस टू और यही बात बताई मैंने कि ये जैसे इसको किसी भी नंबर पर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया इसे टू से डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास जो जवाब है वो फ्रैक्शन में ना है जिस तरह हमने यहाँ पर इंटीजर्स वाला मेथड किया था इसको हम क्या करते हैं बाहर लिखते हैं बट हेयर वी टेक टू कॉमन सो रिमेनिंग विल भी एक माइनस थ्री एक्स एक्स केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसको हम बाहर लिखते हैं और इनसाइड में क्या लिखते हैं जो यहाँ पर इस नंबर को इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स केयर माइनस टेन एक्स प्लस एट है नाउ अब देखें अगर हम यहाँ पर टू लेते यही वाला हम इसमें से कॉमन ना लेते इससे टू पर डिवाइड ना करते तो हमारे पास यहाँ पर टू आ जाता जबकि यहाँ पर जो इसका कोफिशेंट है वो वन है तो यहाँ पर वन लाने के लिए हमें इसे यहाँ पर वन ओवर टू एक्स से मल्टीप्लाई करना करना पड़ता अगर हम वन ओवर टू एक्स से इसको मल्टीप्लाई करते अगर यहाँ पर हमारे पास टू होता तो वो टू टू से कैंसिल हो जाता और हमारे पास एक्स का क्यूब आता तो हमारी सारी जो अलजिक एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शन में आ जाती फ्रैक्शन में आ जाती तो उसे फिर एड अप करना सब करना मुश्किल हो जाता है इसलिए हमने यहाँ पर टू कामन ले लिया है और हम यहाँ पर टू कामन ले सकते हैं और टू को हमने इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि ये इन जो गिवन पोलिनियल्स हैं उसमें वो कामन नंबर नहीं है अगर कामन होता तब फिर ये लिखा रहता लेकिन कामन नंबर नहीं है इसलिए हमने उसको इग्नोर किया है नौ किस वेरिएबल से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए इसको किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए तो वो है हमारे पास एक्स जब एक्स को एक्स के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब And when we multiply minus 3x and x, we get minus 3x square. And uh, here we get 2x. And at this point, we subtract it. And when we subtract, we change the sign. It is canceled out. And here we get 4x square minus 12x plus 8. You can see here we can take again common that is 4. So we take common 4 are because do not take common it is divide further because it is 4x square and it is also x square so as there is a positive sign here so we multiply it by 4 and when 4 multiplied by x square we get 4x square and 4 multiplied by 3 we get minus 12x and 4 multiplied by 2 we get 4 multiplied by 2 we get 8 and when we subtract this sign will be changed and रिमाइंडर विल बी ज़ीरो सो दिस इज़ दी एच सी एफ वी राइट एक्स केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डेट इज इक्वल टू एच सी एफ ये मज़ीद यहाँ पर डिवाइड होता था इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया अगर आप इसे फोर कॉमन लेते और इसको दोबारा अंदर लिखते फिर भी यही जवाब आना था आपके पास एक्स केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ही एस सी एफ आना था इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसको भी मैंने यहीं पर कर दिया और यहाँ पर यहाँ पर भी कर सकते हैं आप इसे सेपरेटली जिस तरह से हमने यहाँ पर फोर कॉमन लेते फिर जो जवाब आता उसको इसको हम अंदर इस तरह से जैसे हमने इन साइड में लिखा है अंदर लिखते तो तब भी आपके पास यही जवाब आना था तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक स्टेप बढ़ा कर भी कर सकते हैं एंड दिस इज़ पार्ट नंबर वन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री